आज हम बनाने जा रहे हैं मुर्ग मखनी हांडी। ये बहुत ही टेस्टी, क्रीमी और मक्खन से भरी हुई रेसिपी बनती है। रेसिपी अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो इसी तरह की मजेदार, चटपटी और आसान रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले कर लेते हैं हम चिकन को मैरिनेट। यहाँ पर मैंने लिया है 750 ग्राम बोनलेस चिकन। इस तरह से इसे छोटे छोटे पीसेस में मैंने काट लिया है। इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच डाल देते हैं नमक, 2 चम्मच भर के डाल देंगे नींबू का रस। और अब सभी चीजों को मिक्स कर लेते हैं और इसे मैरिनेट करने के लिए रख देंगे फ्रिज में आधे घंटे के लिए। अब बनाएंगे मुर्ग मखनी की ग्रेवी। तो इसके लिए टमाटर ले लेते हैं 3 मीडियम साइज के। इस तरह से मैंने इसे छोटे पीसेस में काट लिया है। 3 से 4 हरी मिर्च डाल देते हैं 2 पीसेस में कटी हुई। 1 चम्मच डाल देंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 कप भर के डाल देते हैं इसमें पानी। और अब इसे ढककर हम पका देते हैं 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए तब तक हम इसे पकाएंगे। ढक्कन हटा लेते हैं। टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। टमाटर को अच्छी तरह से हम क्रश कर लेंगे। अच्छा सा पेस्ट बन गया है ये। अब इसे हमें छान लेना है। जितना भी जूस है टमाटर का, ये इस तरह से हम इसे दबा दबा कर निकाल लेंगे। अब ये ग्रेवी को हम फिर से डाल देते हैं इसी पैन में। इसे रख लेंगे मीडियम फ्लेम पर। अब इसमें डाल देते हैं 1 बड़ा चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। 1/4 कप इसमें डाल देंगे फ्रेश क्रीम। आप चाहें तो घर के दूध की मलाई का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। 3 बड़े चम्मच भर के डाल देते हैं इसमें बटर। 1 चम्मच डाल देते हैं कसूरी मेथी का पाउडर। और अब इसे बॉईल आने तक मीडियम फ्लेम पर हम पका लेंगे। अच्छा सा बॉईल आ गया है इसमें। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। तो ये हमारी मखनी की ग्रेवी रेडी हो गई है। इसे साइड में रख देंगे। अब एक पैन में डाल देते हैं 1/4 कप तेल। 7 से 8 डाल देते हैं हरी इलायची। 7 से 8 डाल देंगे इसमें लौंग। और अब इसमें डाल देंगे प्याज का पेस्ट। ये 3 मीडियम साइज की प्याज का पेस्ट है। प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे तेल में। हल्का सा इसमें गुलाबी कलर आ जाए तब तक प्याज को हम फ्राई कर लेते हैं। अब इसमें डाल देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। चिकन डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हम चलाते हुए पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। चिकन का अच्छा सा सफेद कलर आ जाए तब तक इसे हम पका लेंगे। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच भर के डालते हैं जीरे का पाउडर, 2 चम्मच भर के धनिया का पाउडर, 1/2 चम्मच डालेंगे हल्दी का पाउडर, 1/2 चम्मच डाल देते हैं तीखी वाली लाल मिर्च का पाउडर। और फिर से इसे चलाते हुए हम पका लेते हैं 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। ये मसाला अच्छी तरह से भुन गया है चिकन के साथ। अब हम इसमें डाल देते हैं मखनी की ग्रेवी जो हमने रेडी करके रखी हुई है। सभी चीजों को मिक्स कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा ग्रेवी के हिसाब का नमक डाल देंगे, करीब 1/2 चम्मच। मिक्स कर लेते हैं फिर से इसे। अब इसे ढक कर पकाने के लिए हम रख देते हैं लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए। ढक्कन हटा लेते हैं। 15 मिनट बाद आप देख सकते हैं बटर जो हमने इसमें यूज किया हुआ है, तेल है, ये सारा ऊपर आ गया है। चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। बस इसी टाइम पे अब हम डाल देते हैं इसमें 1 चम्मच भर के गरम मसाले का पाउडर, 1 चम्मच डाल देते हैं भुनी हुई कसूरी मेथी का पाउडर। सभी चीजों को मिक्स कर लेते हैं और इसे अब पकने देंगे बस 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। फ्लेम ऑफ कर देते हैं। तो ये हमारी मुर्ग मखनी हांडी बनकर रेडी हो गई है। इसे आप सर्व कर लीजिए रोटी, पराठा, नान के साथ। बहुत ही टेस्टी, क्रीमी और मक्खन से भरी हुई रेसिपी बनती है ये। जरूर ट्राई करें इसे और अपनी फैमिली के साथ इसे एंजॉय करें।